आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा प्रफिक्सेस। प्रफिक्सेस क्या होती हैं बच्चों? किसी भी शब्द के शुरू में जुड़ने वाली प्र मतलब पहले जुड़ती है जो प्रफिक्सेस शुरू में जुड़ती हैं। तो देखिए काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है आज की, बहुत ही लंबी टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहली प्रफिक्स हमारे पास है कौन या कौम। कौन या कौम, अगर किसी शब्द के शुरू में, किसी वर्ड की स्टार्टिंग में कौन या कौम आता है, कौन या कौम आता है, तो कौन या कौम को हटाकर, कौन या कौम आप लगा नहीं बनाओगे, कौन या कौम के स्थान पर आप क्या लगाओगे, एक डॉट दिखाया जाएगा, डॉट से दिखाया जाएगा। कैसे दिखाएंगे इनको? आ डॉट इन द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रोक। जो भी स्ट्रोक आपका बचा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो स्ट्रोक आपका बचा कौन कौम के बाद, उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल शुरुआत में आप एक डॉट से दिखाओगे प्रफिक्स को। प्रफिक्स को बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, स्टार्टिंग के अंदर आप एक डॉट लगाओगे, वो किसका होगा, कौन या कौम का। जी हाँ, एग्जाम्पल से देखते हैं। कंबाइन, कम के बाद क्या है, बाइन। आप सिर्फ बाइन बनाओगे कुछ इस तरह। बी की स्टार्टिंग कहां से हुई, यहां से, इसके ऊपर एक डॉट लगाओगे। ये जो डॉट रहेगा ये किसके लिए होगा, कौम के लिए। कम कौम कौन, कंबाइन। कम है टी, कम है टी, ई टी। जो कॉम के लिए क्या लगाओगे आप, टी के स्टार्टिंग में, बिगनिंग स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग, जहां से वर्ड स्ट्रोक स्टार्ट करते हो आप। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट, कौन आ गया, कौन को हटा दो आप, कॉन्ग्रेचुलेट, कौन का डॉट यहां पर शुरू में, कौन, ग्रह, चू के लिए आप क्या यू का जो ग्रह हम लोग लगाओगे, और लेट को मैंने टी के लिए हार्ड किया है, कॉन्ग्रेचुलेट। इस तरह से दिखाना आपने कौन को। कुछ एक वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जिसके अंदर हमें कौन पूरा बनाना पड़ता है, कॉम। कमीशन, कमीशन, देखिए इसका कोई रूल नहीं है पर्टिकुलर, सिर्फ ध्यान रखना अगर हम कम हटा देते हैं सिर्फ शन बचता है, तो बेटर आउटलाइन कम के साथ बनेगी, इजी आउटलाइन कॉम के साथ बनेगी। इसीलिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप पूरा स्ट्रोक बनाओगे कॉम का डॉट ना लगा के। कमीशन, कमिश्नर, कमिश्नरेट, कॉनोट, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। तो कौन कॉम हमने लगाया, स्टार्टिंग में अगर आ जाता है तो आप एक लाइट डॉट से दिखाते हो, स्टार्टिंग में अगर आ जाता है तो। मीडियली भी आ सकता है, ये एक अकेली प्रफिक्स ऐसी है जो बीच में भी आ सकती है, तब भी हम कुछ चेंजेस करेंगे। मीडियली, मीडियली फर्स्ट पॉइंट यही है अभी हमारा। मीडियली कौन, कॉम, साथ में एक वर्ड और आ गया कॉग। स्टार्टिंग में क्या आता है, सिर्फ कौन या कॉम, बीच में अगर आ जाता है तो कौन, कॉम और कॉग। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर बीच में आ जाता है तो आपने क्या करना है, डिसज्वाइनिंग करनी है, डिसज्वाइनिंग करनी है, लेकिन किसकी डिसज्वाइनिंग करनी है, कौन कॉम कॉग से पहले और बाद वाले स्ट्रोक्स की, इससे पहले और बाद वाले स्ट्रोक्स की क्या करोगे आप, डिसज्वाइनिंग, बीच में से आप डिसज्वाइन करके लिख दोगे, तो जो बीच का जो स्पेस बचेगा वो किसको शो कराएगा, कौन कौन कॉग को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने डिसज्वाइनिंग करनी है इससे पहले और बाद वाले स्ट्रोक्स की। देखिएगा, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, बस एक वर्ड याद रखिएगा, डिसज्वाइनिंग।
बस पहले और बाद वाले स्ट्रोक्स की डिसजॉइनिंग। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज में क्या है, बीच में को गया ना आप र और उसके पास में ही डिसजॉइन करके लिखोगे नाइज, रिकॉग्नाइज। अकॉर्डिंग टू सेंस आप पहचानोगे कॉग कोम या कौन क्या आएगा। वेलकमिंग, वेलकमिंग कम तो आप लिखोगे वेल, कम आपने क्या किया डिसजॉइनिंग से दिखाया और इंग के लिए आप स्ट्रोक बनाओगे वेलकमिंग। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कम, कम बीच में आया ना सर, कम हटा के आप लिखोगे फ्रेंस एन ए सर्कल, सरकमफ्रेंस। डिसजॉइनिंग करनी है बीच में, ये ध्यान रखिएगा सरकमफ्रेंस। डिसजॉइन करके आप दिखाते हो कौन कौन कोक को से पहले वाले और बाद वाले स्ट्रोक्स को। ऐसे ही आप लोगोग्राम के साथ भी दिखा सकते हो, ग्राम लॉक्स के साथ विद लोगोग्राम्स। देखिए ग्राम लॉक के साथ कैसे दिखाना है, ग्राम लॉक के साथ कैसे दिखाओगे, अगर किसी भी ग्राम लॉक के साथ फ्रेजेस जो बन जाती है ना फ्रेजेस, फ्रेजेस के अंदर अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जिसमें प्रीफिक्स कौन से आए, कौन या कोम आए, कौन या कोम, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी। ऑफ द कमेटी, तो बच्चों देखिएगा ऑफ द, ऑफ द के बाद कमेटी आए ना, कोम को आपने हटाना है। कैसे दिखाओगे डिसजॉइनिंग से जो भी बताया था वैसे ही, लेकिन देखिए ऑफ द लिखोगे आप ब्रेक करके, उससे अलग लिखना आपने कमेटी। अब आप सोच रहे मैम ने भी तो बोला कि डिसजॉइनिंग करो और इसमें तो मैंने कमेटी जो है वो पूरा बना दिया, कोई डिसजॉइनिंग की नहीं है मैंने तो। जी हाँ, यही पॉइंट बताना चाहती हूँ, जब भी कोई डिप्थोंग अगर डाउन में आता है तो आप डिसजॉइनिंग नहीं करोगे, आप अलग से स्ट्रोक बनाओगे। बट अगर आता है ओन द कमेटी, ओन द कमेटी जब ऊपर की तरफ आ जाता ही हूं, लास्ट वाले लोगोग्राम का एंड कैसे हो अपवर्ड ऊपर की तरफ, तो आप डिसजॉइनिंग यूज कर सकते हो ओन द, और इसी के साथ में आप क्या लिख सकते हो कमेटी। देखिएगा दोबारा से ओन द, अब मुझे ये डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने स्पेस छोड़ दिया बीच में वो कॉम के लिए है। अपवर्ड की तरफ जाए तो आप क्या करोगे डिसजॉइनिंग करोगे, डाउनवर्ड में आए तो आप अलग से स्ट्रोक बनाओगे पूरा स्ट्रोक। तो आपने क्या किया मीडियली भी आपने देख लिया, लोगोग्राम के साथ भी देख रहे हो किस तरह से दिखाना है आपने। तो फर्स्ट प्रीफिक्स थी हमारी ये, अब आते हैं सेकंड, सेकंड नंबर पॉइंट पे। सेकंड नंबर पॉइंट में क्या बता रहा हमें, अ कॉम, कॉम, एकोमो, कौन से वर्ड होते हैं कॉम वाले, दिमाग दौड़ाया करो थोड़ा सा। अकोमोडेशन, अकम्प्लीश, अकम्पनी, इस तरह के वर्ड। तो अकोमो को आप कैसे दिखाओगे, बाय डिसजॉइंट या जॉइंट, ज्वाइन भी कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो और तोड़ भी सकते हो, के से स्ट्रोक की होता है ना जो, उससे। अब ज्वाइन कब करोगे, डिसजॉइन कब करोगे, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है उसका, जो इजी आउटलाइन लगे। देखिएगा कैसे अकम्प्लिश, अकम्प्लिश वर्ड लिखते हैं, इसमें मुझे एल की हुक दिखानी थी तो मैंने ज्वाइन कर दिया इसको, लेकिन अकोमोडेट, अकोमोडेट रीजन क्या होता है, देखिए कितनी खराब आउटलाइन बनती है ये, इस वजह से तोड़ना पड़ता है। कंपनी, कम प
पनी, अगर इसी के साथ में कॉम लिखा, देखो काफी लंबी आउटलाइन हो जाती है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, डिसज्वाइन कर सकते हो। देखिएगा फिर से, जो आउटलाइन इजी लगे, जो आउटलाइन इजी लगे, सूटेबल लगे, उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे कि आपने डिसज्वाइन करना है या ज्वाइन करना है। तो सेकंड प्रीफिक्स से बचो, ये अकॉम, अकॉम, अकॉम या अकॉमो। नेक्स्ट स्टूडेंट पे आते हैं, थर्ड नंबर प्रीफिक्स, इंट्रो। इंट्रो वर्ड सोच लिया करो, जैसे मैंने प्रीफिक्स बोला इंट्रो, तभी तुम दिमाग को दौड़ाओ कि इंट्रो कौन से वर्ड्स में आते हैं, इंट्रो से कौन से वर्ड्स बनते हैं। इंट्रो, जी हाँ, सबसे पहले क्या, इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस। तो इंट्रो को आप दिखाते हो एनटीआर से, एनटीआर से, मूवी वगैरह कुछ नहीं दिखाना आपने, सिर्फ एनटीआर लिख दो, हमारा काम हो जाएगा। इंट्रोड्यूस्ड, देखिएगा इंट्रो और ड्यूस्ड, एसडी की चाप से दिखाओगे ना, इंट्रोड्यूस्ड। तो ये इंट्रो, इंट्रो से आप कैसे दिखाओगे इंट्रो को, एनटीआर से। नेक्स्ट ट्रांस, ट्रांस, ट्रांस को कैसे दिखाना आपने, ट्रांस के अंदर से एन को ओमिट कर दो, एन को ओमिट कर दो, बाय ओमिटिंग एन, एन को अगर हटा भी दोगे ना आप, तो आपको पूरे वर्ड का पता चल जाएगा क्या लिखा है। ट्रांसमिशन को अगर मैं बोलती हूँ ट्रांसमिशन, तो ऑटोमेटिकली आप पता चल जाता है आपको कि ट्रांसमिशन बोला गया है, ट्रांस मिशन। देखो बच्चों, एन को मैंने क्या किया इंडिकेट, ट्रांस मिशन, ट्रांसलेट, 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 ट्रांसलेट। तो इस तरह के वर्ड्स जो है, जिसके अंदर एन ना बनाओ तब भी एन का पता चल जाए, उस वर्ड के अंदर से आप एन को क्या कर देते हो, ओमीट कर सकते हो। ट्रांस पूरा ना बना के ट्रांस लिखा जाता है, ट्रांसमिशन, ट्रांसलेट, ट्रांसग्रेशन, ट्रांसफर, कुछ एक वर्ड ऐसे हैं। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारी नंबर फिफ्थ, मेगना। मेगना, मैग्नीफायर, मैग्नेटाइज, मैग्नीफाई, फिफ्थ नंबर मैग्ना। देखिए मैग्ना को दिखाना कैसे आपने, बाय डिसजॉइंट एम, एम को डिसजॉइंट कर दो, मैग्ना को हटा दो, पूरे मैग्ना को आप कैसे दिखाओगे, डिसजॉइंट एम से, बस। मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज में क्या करना आपने, मैग्ना और टाइज, एम से दिखाया मैंने, मैग्नीफाई, ये मैग्ना और ये फाई, बस इतना सा काम, बस इतना सा करना आपने। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ, सेल्फ को कैसे दिखाओगे आप, सेल्फ, सेल्फ वाले वर्ड कैसे कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं ना, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ मेड, इस तरह के वर्ड्स होंगे। तो आप सेल्फ को कैसे दिखाओगे, ध्यान से सुनिएगा, सेल्फ को दिखाने के लिए एक सर्कल यूज करना आपने, डिसजॉइंट सर्कल, डिसजॉइंट सर्कल, बाय डिसजॉइंट सर्कल, एक सर्कल से दिखाओगे, एस का सर्कल जो था ना बच्चों, एस का छोटा सर्कल, वैसा ही सर्कल लगाओगे, डिसजॉइंट करोगे, लेकिन डिसजॉइंट किससे करेंगे, जो इसके बाद वाला स्ट्रोक बचता है, सेल्फ के बाद वाला जो स्ट्रोक बचा उसके आगे दिखाओगे आप, बिगनिंग में नहीं दिखाओगे, उसके आगे की तरफ दिखाओगे, जो सेकेंड वोवल प्लेस आए वहां पर,
देखिएगा अभी, बाय डिसजॉइंट सर्कल, एक डिसजॉइंट सर्कल से दिखाया आपने कहाँ दिखाना है, जो बाकी जो स्ट्रोक बच गया उसके आगे की तरफ, देखिएगा कैसे बिगनिंग में और आगे में क्या फर्क है वो बता रही हूँ आपको। देखो हमने लिखा सेल्फ मेड, पहले मेड लिखते हैं, डार्क करके लिखा है मैंने डी के लिए, उसको हार्ड करा दिया मेड। तो एम की शुरुआत कहाँ से हो रही है, बिगनिंग कहाँ से, यहाँ से ना। अगर मैंने कौन का डॉट लगाना होता तो हम यहाँ लगाते, बट नहीं, अभी क्या करना है आपने इससे आगे यानी कि ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये सेल्फ का काम करेगा, सेल्फ मेड। सेकेंड वॉवल प्लेस पे बीच में बिल्कुल दिखाओगे। एक वर्ड और देखिएगा, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, डिफेंस लिखते हैं। अगर हम कौन दिखाते तो आप क्या दिखाते, बिगनिंग में, बट ये दिखाओगे उसके आगे की तरफ यूं, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, इस तरह दिखाना होता है हमें सेल्फ को। तो बाय डिसजॉइंट सर्कल, सर्कल डिसजॉइंट करके दिखाओगे, लेकिन मैं स्पेशली लिख रही हूं आगे की तरफ, आगे मतलब आगे या ऊपर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में ऊपर और वर्टिकल स्ट्रोक में आगे। मैंने बिगिनिंग वर्ड यूज नहीं किया, ध्यान रखिएगा, बिगिनिंग में क्या दिखाते हैं, कौन का डॉट दिखाते हैं, बट ये आगे ऊपर की तरफ दिखाओगे आप सेकेंड वोवल प्लेस पे यानी कि बीच में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेवन नंबर पॉइंट, सेवन नंबर, सेल्फ कौन, सेल्फ के साथ में अगर क्या आ जाए, कौन भी आ जाए, सेल्फ के साथ में कौन भी आ जाए, दोनों साथ में आएंगे, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ और कौन दोनों सुनते हो ना साथ में, तो ऐसे वर्ड में क्या करना है देखिएगा। अब जो आपने सेल्फ का सर्कल दिखाया था, सेल्फ का सर्कल दिखाया था, उसको आप कहां पे ले आओ, कौन का जो डॉट था ना उसके प्लेस पे ले आओ, कौन डॉट का जो प्लेस था उस वहां पर ले आओ आप उसको, सेल्फ के सर्कल को, बाय शोइंग द सर्कल ऑन कौन डॉट, कौन डॉट जो है उसके प्लेस पे, उसके स्थान पे। देखो बच्चों, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, कौन बीच में है ना, सेल्फ आया, आपने ट्रोल लिखना अभी, ट्रोल। अगर मैं देखिएगा यहां पे देखिएगा, अगर मैं कौन लगाती तो यहां पर, अगर सिर्फ सेल्फ लगाते तो यहां पर। अब इस सेल्फ को उठा के इस कौन पे रख दो ऐसे, तो ये कौन का भी काम करेगा, ये सेल्फ का भी करेगा, पहले सेल्फ देन उसके बाद कौन, सेल्फ कंट्रोल, इस तरह वर्ड बनाओगे आप, सेल्फ कंट्रोल। तो ये था हमारा सेवन नंबर पॉइंट सेल्फ और कौन के बारे में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इन अगर आता है, इन 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 आता है अगर बिफोर एस के आर, ये वाला एस के आर जो ऑपोजिट करके लिखते हो, थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूं, एस टी आर ऑपोजिट वाला और एच अपवर्ड, इन आता है अगर एस के आर, एस टी आर और एच अपवर्ड से पहले, एच अपवर्ड से पहले, तो क्या करना है आपने, यहां पे लिखते हैं एच अपवर्ड, एस के आर, एस टी आर और एच अपवर्ड, इससे पहले अगर इन आता है तो आपने क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, जो इनका सर्कल लगाया ना हमने, सर्कल जो लगाया है, इससे पहले छोटी सी हुक दिखा दो,
इससे पहले एक छोटी हुक दिखा दो। वो छोटी हुक किसके लिए होगी? इनके लिए, इनके लिए। अ स्मॉल हुक आ स्मॉल हुक बिफोर देयर सर्कल। इनके सर्कल से पहले एक छोटी हुक दिखाओ, वो किसके लिए है? इनके लिए। देखिएगा वर्ड, देखिएगा हाँ जी, वर्ड्स लिखते हैं। मिस्टेक करती थोड़ी सी। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में क्या है? एसटीआर है ना ये? एसटीआर से पहले मैंने क्या लिखा? इन। एसटीआर से पहले इन जो लिख रहे हो उसको हुक से दिखाओगे। देखिएगा ये हुक, इंस्ट्रूमेंट, ये इनके लिए है। इंस्क्राइब, इंस्क्राइबर, इन एस के आर से पहले इंस्क्राइबर, ये छोटी हुक इनके लिए। इनहैबिट, 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 तो ये जो हुक लगाई हमने किसके लिए लगाई? वो इनके लिए। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, इस इन हुक के अंदर भी एक ट्विस्ट आता है छोटा सा। क्या ट्विस्ट आता है बच्चों? कहते हैं अगर ये इन, अगर ये इन नेगेटिव वर्ड्स में आ जाए, अगर ये इन नेगेटिव वर्ड्स में आ जाए। नेगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? जिनका मीनिंग नेगेटिव निकलता है, जिनका मीनिंग नेगेटिव सेंस में निकलता है, ना के लिए यूज किया जाता है जिनको, उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव वर्ड्स। तो नेगेटिव वर्ड्स के अंदर इन पूरा बनता है, इनकी हुक नहीं लगेगी। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल वर्ड है ना, पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं हॉस्पिटेबल, बट इन हॉस्पिटेबल, इन हॉस्पिटेबल, इन हॉस्पिटेबल में क्या करते हैं? इन पूरा बनाओगे आप, हुक नहीं लगाओगे। नेगेटिव सेंस में जो वर्ड यूज होते हैं ना, अब मैं इस वर्ड को ना ऊपर दिखा रही हूँ आपको विदाउट लाइन, आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने कैसे बना दिया। देखिएगा दोबारा, इन और उसी के साथ में आप क्या बनाओगे? एच, हॉस्पी और टेबल। हॉस्पिटेबल बनाना अपने इनके बाद, इन हॉस्पिटेबल, इन उसी के साथ में एच बनाओगे आप, इन हॉस्पिटेबल। आप इसको बाहर से भी ले सकते हो अगर आपसे आउटलाइन ना बने, बट आउटलाइन ऐसे बनानी है आपने। इन हॉस्पिटेबल नेगेटिव सेंस में जब भी यूज करोगे तो एन पूरा बनता है, हुक से आप शो नहीं कराओगे, हुक से शो नहीं कराएंगे। इनसुपरेबल, इनसुपरेबल, एक वर्ड और लिखते हैं इनसुपरेबल। देखिएगा इसमें भी क्या है? नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा है ना, इनसुपरेबल, तो आप पूरा बनाओगे। थर्ड प्लेस है इन, लेकिन थर्ड प्लेस के बाद एस पी आर आया ना, वर्टिकल स्ट्रोक आया, तो आपने थर्ड प्लेस के अकॉर्डिंग दिखाना है लाइन से कट करके, इन सुपर और एबल, इन सप्रबल, इस तरह से दिखाओगे। इनसुपरेबल जब भी नेगेटिव सेंस में यूज होता है तो आप क्या करोगे? इनको पूरा बनाओगे, हुक से नहीं दिखा सकते। तो बच्चों ये टॉपिक था हमारा प्रीफिक्सेस के बारे में, प्रीफिक्सेस के बारे में टॉपिक था हमारा। काफी लंबा टॉपिक रहेगा, बहुत ध्यान से आपने करना है, प्रैक्टिस करोगे इसकी तभी आपको क्लियर होगा। मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी बुक के अंदर जो भी वर्ड्स मिलेंगे, पिटमैन या न्यू ईरा जो भी बुक आप यूज करते हो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।